लेकिन ऐसा नहीं है, आप ये ना कहें कि कराची रुक जाता है, कराची की प्रॉपर्टी रुक जाती है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कराची की प्रॉपर्टी रुक जाती है। असल जुमला ये है कि जब कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अच्छा शफाक भाई, करंट सिचुएशन मार्केट की क्या है, कराची में क्या चल रही है रियल एस्टेट के हवाले से? जी हसन, इसमें इस वक्त जो पोजीशन है ओवरऑल, तो कराची की जो मार्केट है वो थोड़ी सी प्रॉपर्टी के हवाले से रेट्स में थोड़ी सी रुकी हुई है, या कुछ एरियाज में थोड़ी सी डाउन भी हुई है। तकरीबन तमाम ही सोसाइटी जितनी भी हैं इस वक्त थोड़ी सी डिस्टर्ब है रेट्स के हवाले से, या थोड़े से प्राइस नीचे आ रहे हैं। एक दो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे, मतलब हमारी ज़बान में इसको कहें तो आप ऐसा कह लें कि सट्टा चल रहा है, तो वहाँ पे ज़रा हम अपने इन्वेस्टर्स को, अपने साथियों दोस्तों को मशवरा देंगे कि अभी फिल वक्त एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर किसी का इरादा है तो मोस्ट वेलकम, हम किसी को मना तो नहीं कर सकते। एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर पोजिशन कुछ बेहतरी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, जैसा कि मतलब आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें होना शुरू होती हैं, तो ये साइन होता है कि आप, इसका मतलब है कि यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में कुछ दिनों के अंदर आपको बेहतर पोजीशन पे आपका कैपिटल अमाउंट जो है वो चला जाता है। लेकिन मतलब जैसे आम आदमी है या आम इंसान है, वो किस तरह जज करेगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है तो ये सिक्योर है इन्वेस्टमेंट या नहीं? जी ऐसा भाई, देखें ऐसा है कि इसमें जाहिर सी बात है बंदा पैसा खर्च कर रहा है तो वो थोड़ी सी वर्किंग तो करता है, सारा दिन लोगों से वास्ता रहता है, मुलाकात रहती है, बहुत सारे दोस्त आते हैं विज़िट के लिए, तो माशाल्लाह लोगों के पहले वाली बात नहीं है कि कोई बंदा आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देता था। माशाल्लाह लोगों में अवेयरनेस है, ख़ास तौर पर जब से इजी अप्रोच हुई है लोगों की, लोग यूज़ करते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, उसमें लोग सारी जितनी भी पोर्टल हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, सबसे रेट चेक करते हैं, और ये बहुत अच्छा साइन है कि बंदा कोई अपनी चीज़ अगर कोई किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका मिनिमम और हाई जो भी उसका रेट है वो उसको पता होना चाहिए, उसके प्राइसेस का, उसके नेगेटिव का, उस सोसाइटी के उस पॉजिटिव का। लोग अच्छी वर्किंग करते हैं और लोग माशाल्लाह बहुत लोगों को अवेयरनेस भी आई है, फिर बहुत सारे आपने देखा होगा माशाल्लाह लोगों ने वर्किंग कर रहे हैं, जैसे हमारा चैनल भी असासा रियल एस्टेट लोगों के लिए गाय बगाए जो है वो करता रहता है, जो हो सकता है हमसे जो बन पड़ता है। आपकी भी माशाल्लाह उसमें बड़ी काविशें, तो उसमें ये कि हम अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे साथी हैं, हमारे कोलीग्स हैं जो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इस जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहरहाल लोग माशाल्लाह बड़े बाशऊर हैं हमारे, इतने भी हैं कोई ख़ास तौर पर एंड यूज़र होता है उसके पास तो कुल जमा पूंजी, कुल असासा यही होता है कि वो उसके ऊपर उसने घर बनाना है तो वो बड़ा समझबूझ के कोई स्टेप लेता है, और अगर कोई इन्वेस्टर है तो जाहिर सी बात है वो तो मार्केट के साथ वैसे ही टच पे होता है, उसको पता होता है चीज़ों का वो कि आगे आने वाले टाइम में किस जगह पे जूस है और किस जगह से अब उसने अपना जो है वाइंड अप करके आगे निकलना है। अच्छा स्वागत, एक छोटी सी चीज़ जो पहले आपने वीडियो की थी गुलशन रूमी के हवाले से, तो गुलशन रूमी के हवाले से अभी फर्दर जो उनके डेवलपमेंट्स के जो काम हैं या उसके जो ड्यूज वगैरह आ रहे हैं तो उसके बारे में क्या होगी कि रेट्स वहाँ के इंक्रीज वगैरह की कितने मतलब ऊपर जाने का चांसेस है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है ना इन्वेस्टर जो है ना इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा मेरोज़ भाई, ऐसा है कि अभी माशाल्लाह जब से हमने वो इन्फॉर्मेशन दी थी कि के इलेक्ट्रिक आ रही है तो इंशाल्लाह हम एक दो दिनों में आपको जो जीएम साहब हैं गुलशन रूमी के, जनरल मैनेजर मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब,
इंशाल्लाह उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे इस चैनल के थ्रू, तो आपको इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि डेवलपमेंट की वहाँ क्या सूरत हाल है और क्या पोजीशन होने जा रही है। तो मैं बस यही ज़िक्र करने वाला था कि अभी कुछ सोसाइटीज़ हैं उसमें गुलशन रूमी टॉप ऑफ द लाइन है कि जो आपको अच्छे पैसे दे के जाएगा मोस्ट रिसेंट में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर ही इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट दे के जाएगा, अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर चांस कहाँ है, कौन सी सोसाइटी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है? ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर 5-10 लाख रुपये के ऊपर भी हम जाते हैं तो प्रॉपर्टी के हवाले से तो ये बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन जाहिर सी बात है आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा आज के दौर के अंदर अगर इतना भी हो और वो कोई चीज़ लेना चाहे तो उसके लिए तो मतलब फातिमा ड्रीम सिटी है और इस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको आपका कैपिटल अमाउंट भी सेव है और प्लस आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह 2-3-4 महीने में अच्छा बेनिफिट भी मिल जाता है। अच्छा, जैसे आप थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो उसमें इस वक्त तो बहुत अच्छा जो पिछले 4-6 महीने से चल रहा था, तकरीबन 4-5 महीने से बैरिया डाउन था जिसकी वजह से ओवरऑल कराची की मार्केट थोड़ी रुकी भी हुई थी, लेकिन बैरिया डाउन के हवाले से मतलब काम बहुत अच्छा जा रहा था, लोगों को बड़ा अच्छा उसमें अभी मेरा इसी पे सवाल है, सॉरी मैं बात काट रहा था कि बैरिया का फ्यूचर क्या देखते हैं, जैसे अभी 3 महीने में इतनी प्लस हुई है बैरिया डाउन सोसाइटी, सॉरी बैरिया डाउन सिटी, लेकिन अब जो है क्या मतलब फ्यूचर क्या देखते हैं कि ये फ्लक्चुएट करता रहेगा? जी, बैरिया टाउन का यही एक प्रॉब्लम है कि आप देखें इसका पुराना भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बैरिया टाउन लाहौर चले जाएं आप, आज भी अगर आप जाते हो तो 40% बहुत टाइम हो गया उसको, 40% आज भी आपके पास वहाँ पे ओपन एरिया है। और बैरिया टाउन इस्लामाबाद भी अगर आप चले जाएं पिंडी तो उसमें भी अभी तक बहुत गुंजाइश है। तो बैरिया टाउन की जो एक खूबसूरती है कि एक बहुत बड़ा शहर है अपने आप के अंदर, एक दूसरा समझ लें कि सिटी है कराची का, ट्विन सिटी कह लें उसको बैरिया टाउन, लेकिन ये उसका नेगेटिव भी है कि वहाँ पे आपको उसको फिल करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। इन्वेस्टर आता है, रेट ऊपर चला जाता है, लेकिन एंड यूज़र जो है ये देखना पड़ेगा कि कितनी देर तक उसको आप कितना कवर कर पाते हो। अभी भी आप देख लें वहाँ 15,000-20,000 फैमिलीज शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन बैरिया टाउन के हवाले से ये ऐसे ही है जैसे आज भी पूरा खाली है। तो इसको जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, हाँ उसकी मार्केट की पोजीशन भी तभी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आज स्टेबल है, आपका आपकी इन्वेस्टमेंट भी तभी स्टेबल है कि उसके ऊपर जब आपके पास एंड यूज़र बहुत ज़्यादा आ जाए और इन्वेस्टर लिमिटेड रह जाए। किसी भी सोसाइटी के अंदर जब इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा होता है तो जब एक इन्वेस्टर निकलता है, ये आप हर सोसाइटी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें और आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक दफ़ा इस चीज़ को भी देखें कि किसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा है और एंड यूज़र जिसने घर बनाना है, रहाइश करनी है, वो कम है, तो इसका मतलब है जिस दिन इन्वेस्टर निकलना शुरू होगा सोसाइटी आपकी डाउन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एंड यूज़र ज़्यादा है, इन्वेस्टर कम है, इन्वेस्टर का होना भी ज़रूरी है किसी सोसाइटी के अंदर कि कोई चीज़ अगर सेल में है, रीसेल में है, तो इन्वेस्टर जाहिर सी बात है वो अपने उसके पास एक बैकअप होता है, वो उसको डिमांड एंड सप्लाई का गैप पूरा रखता है। लेकिन अगर चीज़ें ज़्यादा बिकने आ जाती हैं और बायर कम हो जाता है, एंड यूज़र नहीं है या इन्वेस्टर नहीं है, तो ये भी एक नुकसानदेह उस सोसाइटी के लिए। लेकिन अगर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है तो जब एक इन्वेस्टर निकलता है तो फिर वो अपने साथ दूसरे इन्वेस्टर को भी, काफ़ी सारे लोगों को ये कह देता है कि भाई अब निकलने का टाइम है। ऐसा हम बहुत सुनते हैं कि बहरिया में जब मतलब बहरिया जब चलता है तो कराची रुक जाता है, तो जब कराची चलता है तो बहरिया रुक जाता है, ये क्या मतलब चीज़ है? नहीं, ऐसा नहीं है, आप ये ना कहें कि कराची रुक जाता है, कराची की प्रॉपर्टी रुक जाती है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कराची की प्रॉपर्टी रुक जाती है, असल जुमला ये है कि जब कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। कराची की प्रॉपर्टी का, कराची का जो बड़ा इन्वेस्टर है
जब वो बहरिया की तरफ जाता है तो बहरिया की मार्केट बहुत बड़ी है, वो कम इन्वेस्टर से या 10% 50% इन्वेस्टर से हिलती भी नहीं है, पता भी नहीं चलता है। चलती तब है जब सारा कराची का इन्वेस्टर और लाहौर से और इस्लामाबाद पिंडी के जो भाई इन्वेस्टर हैं वो जब कराची एरिया टाउन कराची में आ जाते हैं तो फिर यहाँ के लोगों को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, कराची के लोग भी बहरिया टाउन कराची में चले जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से मार्केट यहाँ की जो लोकल मार्केट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये चीज़ है ऐसा कि इसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब ये कितनी देर तक आगे चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि जब ये बहरिया टाउन कराची कुछ हद तक मतलब जो आपके पास रीसेल में, क्योंकि बहरिया टाउन में रीसेल में आपके पास चीज़ें बहुत हैं, इतना प्लॉट्स है, आप बेच 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 कितना बेचेंगे, आपको अंदाज़ा है वहाँ पे इन्वेंट्री इतनी आ जाती है कि आप पिछला वाला बेच के ख़त्म होते हैं, नया आपके पास फिर माल भर जाता है। तो उसमें ये होता है कि जितनी देर तक ये चीज़ें कम नहीं होती उतनी देर तक ये कराची की मार्केट को हिट करता रहेगा। जब ये क्लियर हो जाएगी चीज़ कि वहाँ पे थोड़ा मामला थोड़े बेहतर हो जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो रीसेल में चीज़ें कम आना शुरू हो जाएंगी, फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह।